कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। तीन दिनों से 900 से अधिक संक्रमित मरीज रोज मिल रहे हैं। रविवार को 6,476 सैंपल के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 923 सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जो कि 14% है। अप्रैल माह के 11 दिनों में अब तक 9,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 मार्च से अब तक के आंकड़े पर नज़र डालें तो इंदौर में 79,434 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसका औसत प्रतिशत 7.8 है। रविवार को 6 संक्रमित मरीजों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। पिछले 11 दिनों में 43 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को 613 संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 100 मरीजों का पुराने मिलान के तहत डिस्चार्ज दर्शाया गया है। अब तक 70,512 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जिनका रिकवरी रेट 88.7। आज का क्या बुलेटिन रहा? आज 6,476 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 923 सैंपल्स पॉजिटिव हैं। आज का पॉजिटिविटी रेट करीब 14.25 का रहा। वहीं ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज है वो 7.9% का रहा। 79,434 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड से ग्रसित होते हैं इंदौर ज़िले में, अभी तक के कोविड पेशेंट हो चुके हैं। अभी टोटल जो डेथ है वो कल के 6 डेथ को मिलाकर के 1,005 बच चुकी है, और 1.26% ओवरऑल 70,512 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं, और रिकवरी रेट 88.7% है। अभी कुल हमारे पॉजिटिव केसेस इंदौर ज़िले में 7,917 केसेज हैं जो कोविड के पेशेंट्स के रूप में अपना ट्रीटमेंट।